नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रणवी टीवी में। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी जहां पूरे विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई गई, तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन हुए। 12 जनवरी को ही सूर्य नमस्कार का जो आयोजन होता है वह गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्टेडियम में संपन्न हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ यहां जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। कलेक्टर तरुण कुमार राठी यहां पर उपस्थित थे, उन्होंने संदेश भी दिया और योग भी किया, और यहां पर उपस्थित विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने भी सूर्य नमस्कार किया, योग किया। गणमान्य नागरिकों ने भी सूर्य नमस्कार किया, योग किया, और साथ में जनप्रतिनिधियों ने भी इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की, अपने शुभकामना संदेश भी दिए। आइए एलएनबी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं किस प्रकार हुआ दमोह के स्टेडियम में सूर्य नमस्कार का आयोजन। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय स्टेडियम में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही, और इस कार्यक्रम में जहां संदेश हुआ और वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम का गायन भी हुआ। कार्यक्रम में दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने संबोधित करते हुए कहा, कार्यक्रम किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि हम एक बार इसको सीखने के बाद में इसको नियमित रूप से और दैनिक रूप से हम इसको करें तो निश्चित रूप से इसके जो लाभ है वो हमको मिलेंगे। और खास करके जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें सूर्य नमस्कार एकाग्र चित्तता की हमें बहुत मदद करता है, तो इसको सभी बच्चे अपनाएं और इसके लाभ हमको निश्चित रूप से अपने जीवन में प्राप्त होंगे। जय जय। वरिष्ठ अधिवक्ता, समाजसेवी तथा कांग्रेस के नेता वीरेंद्र दवे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। एकाग्रता को बढ़ाने का इससे बड़ा कोई शस्त्र इस ब्रह्मांड में नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों और मेरे नौनिहाल छात्र छात्राओं, जीवन को अग्रिम और विकास की तरफ ले जाने के लिए, बुद्धि को तेज उत्तेजस पैदा करने के लिए यह है सूर्य नमस्कार का आयोजन। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आयोजित है। आदरणीय कलेक्टर महोदय ने जो संदेश दिया है कि जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और अपने शैक्षणिक काल के दौरान इसका आयोजन या इसका प्रतिदिन लोग चिंतन करें, योग करें, तो आपकी उन्नति, परिवार की उन्नति होगी। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है, और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्य नमस्कार हुआ। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलएनवी टीवी के माध्यम से ये हम आपको दिखला रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी तथा विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह जो सूर्य नमस्कार किया जाता है वह यहाँ पर कर रहे हैं। श्वास को भरते हुए चार अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए, दाया पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।